फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम जून 2019 के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, इसका जो क्वेश्चन रह गया है फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एंड देन अगली वीडियो में फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में जो सी पार्ट आया हुआ है वो है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस फंक्शन। तो इन दोनों फंक्शन में, ये दोनों फंक्शन ने जो एरिया बाउंड किया हुआ है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो फंक्शंस गिवन है, y की वैल्यू, दो फंक्शन, एक y की वैल्यू ये है एंड y की वैल्यू x भी है। तो इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, हमारे पास वैल्यूज आएंगी कि हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यूज है ग्राफ पर जहां पर इन दोनों फंक्शन ने, इन दोनों फंक्शन के लिए आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये हो गया है रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स, लेफ्ट साइड आ जाएगा, रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, वन माइनस रूट एक्स, एंड रूट एक्स के लिए एंड इस टर्म के लिए दो अलग अलग रूट्स हो गए ये, एंड अब हम इसको इक्वेट कर लेंगे जीरो के। तो हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आई जीरो एंड एक एक्स की वैल्यू आई पॉजिटिव का वन। तो अब फाइंड आउट कर लेंगे रिक्वायर्ड एरिया। तो डेफिनेट वैल्यूज हमारे पास आ गई है कि कितने एरिया किस टर्म तक के लिए ये आपको एरिया दे रहा है। तो जीरो से लेकर वन तक के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास है उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो रूट एक्स के लिए हो जाएगा एक्स इज पावर वन बाई टू माइनस एक्स। तो इंटीग्रेट करते हैं अब इसको, तो एक्स की पावर एन के फॉर्मूले में दोनों यूज हो जाएंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाय टू एंड थ्री बाय टू माइनस एक्स की पावर टू बाय टू एंड वन से लेकर जीरो तक वैल्यू। अब हम यहाँ पर वन और जीरो की वैल्यू पुट कर लेंगे। जीरो पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें जीरो ही मिलेगा, तो हम इसमें वन की वैल्यू पुट कर लेंगे एक्स की जगह पर। तो ये हो जाएगा वन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास थ्री बाय टू, मतलब वन को करेंगे तो वन ही आएगा। एंड जब हमने इसको किया सॉल्व तो हमें वन ही मिलेगा, लेकिन ये टू यहाँ से हम इसको ऊपर लेगा जो इसके डिनोमिनेटर में है। तो हमारे पास ये हो गया टू बाई थ्री माइनस का वन बाय टू। फ्रेंड्स, हमारे पास अब ये सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा एरिया वन बाय सिक्स स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन हमारा फोर्थ का सी पार्ट का सॉल्यूशन था। ऐसे आपने एरिया फाइंड आउट करना है अगर आपको फंक्शंस गिवन है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फोर्थ का डी पार्ट ये है एंड फोर्थ का लास्ट पार्ट है हमारा ये, तो इसको भी इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द लेंथ ऑफ y इज इक्वल्स टू थ्री प्लस एक्स, एंड आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है इंटीग्रेट करके। एंड दो कोऑर्डिनेट्स आपको इसमें गिवन है, जब वन की वैल्यू, x की वैल्यू वन होगी तो y की वैल्यू फोर है, एंड थ्री जब x की वैल्यू होगी तो y की वैल्यू सिक्स है। तो आपके पास पॉइंट्स भी गिवन है, सिर्फ आपको इसमें ड्रॉ करना है और उसको इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है रूट में वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड देन उसको फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ फाइंड आउट करने का। किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप ऐसे इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ इसको हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ करके दिखाया है कि लाइन हमारी ये कैसे ड्रॉ होगी। तो इस तरीके से वन और फोर कोऑर्डिनेट हमारा रहेगा एंड एक रहेगा थ्री और सिक्स। तो ये हमने यहाँ इसको ड्रॉ कर लिया है। ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूला में डिफरेंशिएट हमें करके लिखना होता है। तो हम यहाँ पर इस गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो थ्री के लिए तो जीरो हो जाएगा एंड एक्स के लिए वन आएगा। तो डिफरेंशिएट करके हमें इसके लिए मिला वन। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, वन पुट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर वन प्लस वन लिखा क्योंकि यहाँ वन ऑलरेडी होता है फॉर्मूला में, तो ये वन प्लस वन हो जाएगा। तो टू हमारे पास आ गया, रूट टू को अब इंटीग्रेट करेंगे। तो कॉन्स्टेंट पार्ट है यहाँ पर, हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें x मिलेगा क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो x टर्म में है। तो ये हमारे पास रूट टू एक्स एंड थ्री वन तक चलेगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू एक बार थ्री होगी और एक वन होगी, तो थ्री माइनस वन हमारे पास आया। एंड इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी टू रूट टू यूनिट्स। तो ऐसे आपने फाइंड आउट करना है किसी भी गिवन फंक्शन के लिए लेंथ। हमारे पास इसके डायरेक्ट फॉर्मूला है। एंड अगली वीडियो में हम इसके
फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।